हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है चाट का ज्ञान। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरा चैनल। और जो आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्मार्ट मनी इंट्राडे में कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए ये है मेरा चैनल और आप लोग जाके इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही कंसेप्ट वाला वीडियो इसमें डालता हूँ। और अपना चैनल सिर्फ चार्ट से रिलेटेड रहता है। और यहाँ पे देखिए टेलीग्राम एक चैनल का लिंक है जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे एक इंस्टाग्राम का मेरा एक पेज है, यहाँ पे भी आप लोग इसे ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका यहाँ पे मैं अभी कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को यहाँ पे सारा यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे दे रहा हूँ। और काफ़ी इसका एक्यूरेसी देखा जाए तो 95+ है। आप लोग जाकर खुद जाके चेकआउट करना, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है अपना स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे, कि आप लोग स्मार्ट मनी को कैसे यूज़ करके आप लोग इंट्राडे में पैसा बना सकते हो। तो जो मेरा पार्ट 2 वाला जो वीडियो था, तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि आप CHOCH को यूज़ करके कैसा कैसे पैसा बना सकते हो। और CHOCH है क्या? चेंज ऑफ कैरेक्टर है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न भी कहलाता है, जो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो चलिए इसका थोड़ा एक कंसेप्ट का बात कर लेते हैं। तो देखिए CHOCH जो था अपना, वो ऐसे था, मार्केट ऐसे चलेगा, मार्केट ऐसे चलेगा, और यहाँ पे सपोर्ट पे आके इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करते 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 ये ऐसे अपना ये डायरेक्शन चेंज कर देगा। डाउन ट्रेंड में था और ये पॉजिटिव में ये आ गया, मतलब अप ट्रेंड में ये ग्रो कर गया। इतना दूर अपना ये जाके कंसोलिडेशन वाले एरिया में था, सपोर्ट पे था। और यहाँ पे आप लोगों को ब्रेकआउट मिला होगा, CHOCH यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहीं पे आप लोग ट्रेड ले लेना है, ठीक है। तो ये था अपना CHOCH का कंसेप्ट, और मैंने पार्ट 2 वाले वीडियो में अपलोड करके मैंने वहां पे सारा कुछ बता दिया है। तो चलिए अब समझते हैं कि BOS क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए BOS अपना सीधे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और इसे कैसे यूज करना है, हाउ टू ट्रेड ऑन अपसाइड और डाउनसाइड मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये करना है कि आप लोग BOS को डाउनसाइड में कैसे आप लोग इसे यूज करोगे, ठीक है, और अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में आप लोग इसे कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो देखिए BOS एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मान लीजिए कि मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक लो लगाया, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जब हाई लगाएगा ना, तो जब हाई लगाने के बाद जब इस लो को जब ये ब्रेक कर देगा ना, ये जब ब्रेक हो जाएगा ना, तो जैसे ये ब्रेक करने लगेगा ना, यहाँ पे आपको BOS यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, BOS दिख जाएगा, और यहीं पे आप लोग ट्रेड ले लेना, और आपका टारगेट यहाँ पे आप लोगों को अच्छा मिल जाएगा। आप लोग इस पे स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर इस ये ब्रेक पे अगर आप लोग लोगे ट्रेड ना, तो मार्केट यहाँ से आपको अच्छा पैसा यहाँ पे देगा, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ से जब ये ब्रेकआउट होगा ना, तो फिर मार्केट को इस हाई को निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और उसी बीच में आप लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो। तो देखिए मैं अभी आप लोगों को BOS अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो अपना डाउनसाइड का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर आप लोगों को प्लस में मतलब अप ट्रेंड में कैसे लेना है और कहाँ पर BOS बनेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी चलिए डाउन डाउन स्टेप में समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप यहाँ से जैसे ब्रेक करेगा, आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेना, फिर मार्केट जब ये लो लगाएगा ना, मार्केट क्या कि देखिए डाउनसाइड है, तो मार्केट LH LH करके जाएगा, लोअर हाई करते बनाते जाएगा, और फिर जब ये हाई को जाएगा ना, तो BOS जब यहाँ पे जो दिखेगा ना, BOS यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो आप लोग मतलब आप लोग आराम से जब ये फिर से जब ये आने लगेगा ना, तो जहाँ पे ये अब इस लो को जब ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर यहाँ पे BOS आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, और आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि मार्केट का ओवरऑल यहाँ पे सेंटिमेंट यहाँ पे क्या है, अपना सेंटिमेंट निगेटिव है, तो हमेशा सेंटिमेंट निगेटिव में हमेशा डाउन ट्रेंड में आप लोगों को यहाँ पे पुट साइड में आप लोगों को यहाँ पे बाइंग करना है। आप लोग यहाँ पे अपना कॉल साइड में व्यू मत रखना, क्योंकि मार्केट हमेशा यहाँ पे लोअर हाई का फॉर्मेशन करते चलेगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर कहीं कहीं पे क्या होगा कि मार्केट जैसे ऊपर से जब चलेगा ना, तो आप लोग को यहीं पे
यहीं पे आप लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा डाउन ट्रेंड में, और ये जाके नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, नीचे यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करेगा मार्केट, और उसके बाद ये फिर ये ऊपर जब निकलेगा जो कि रिवर्सल जिसको कहते हैं, जो कि CHOCH है, ठीक है, उस पर आप लोग फिर ट्रेड ले लेना यहाँ पे। क्योंकि देखिए मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ पे ऑलमोस्ट निगेटिव है, फिर यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे निगेटिव वाला जो इतना अगर जो मतलब डाउन ट्रेंड आया तो यहाँ पे क्या होगा कि सेलर्स लोग को अच्छे यहाँ पे पैसे मिलेंगे और यहाँ पे ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और यहीं से मार्केट का यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, व्यू चेंज होगा। और यहाँ से कम देखा जाए तो मैंने जितने बार भी देखा यहाँ से कम मार्केट 100 से 150 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन हो ही जाता है। तो आप लोग CHOCH पे भी आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो CHOCH मैंने बता दिया है, वो पार्ट टू वाले वीडियो में आप लोग जाके देख लेना। और BOS आपको स्टार्टिंग से ही, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे का, यहाँ पे मान लीजिए कि प्रीवियस डे है, ठीक है, मान लीजिए प्रीवियस डे का ये हाई है और ये लो है, ठीक है, और एक ये क्लोजिंग है, ठीक है। मान लीजिए आज मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक है, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर जैसे ये लोग लगाने जब आएगा ना तो यहाँ पे BOS आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यहीं पे BOS देखने को मिल जाएगा, और आप लोग यहाँ पे आराम से इस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। और आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए ये रहेगा कि मार्केट इस लो को भी टेस्ट करने आ रहा है, तो यहाँ पे सेलर्स लोग डरेंगे और ये भी अपना पोजीशन छोड़ के भागने लगेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था अपना निगेटिव साइड का। और पॉजिटिव साइड का देखिए, पॉजिटिव साइड का तो सेम ऐसा ही केस है, अपना मार्केट एक हाई लगाएगा, एक लो लगाएगा, जैसे इस हाई को निकालेगा यहाँ पे BOS बनेगा, ठीक है, BOS बनेगा, इस ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रेड लेते जाना, ठीक है ना। ऐसे इस पे ट्रेड आप लोग आराम से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड ले सकते हो, ऐसा हो सकता है। और इसका एक्यूरेसी 70% है, इसका इस जो ये जो मेथड, ये जो लॉजिक है इसका, इस पे इसका जो रेशियो है सक्सेस रेट का, यहाँ पे 72-75% का यहाँ पे इसका सक्सेस रेट है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के साथ साथ आप लोग यहाँ पे इसे यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा ये आप लोगों को यहाँ पे सेटअप बनेगा। अब मान लीजिए कि मैं आप लोगों को CHOCH इसलिए बोल रहा हूँ कि जब वो चेंज, जैसे ये अप ट्रेंड में है ना, तो फिर ये अप ट्रेंड में फिर यहाँ पे एक टाइम पे ऐसा आएगा कि मार्केट थक जाएगा और इसी रेजिस्टेंस पे मार्केट रेजिस्ट लेगा और यहीं से मार्केट ऐसे गिरने लगेगा और इसका यहाँ पे आप लोगों को CHOCH मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग आराम से ट्रेड ले सकते हैं CHOCH पे, और BOS पे हमेशा आप लोगों को ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। और देखिए, और कंफर्मेशन के लिए मैं इसमें और भी बहुत कुछ ऐड करूंगा, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए आप ये भी देखो ना कि एक अपना ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन आ रहा है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ और यहाँ पे CHOCH का कंफर्मेशन हुआ, तो आप लोगों को डबल आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है कि आप लोग आराम से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को अगर देखोगे तो जैसे BOS पे आएगा तो इस ट्रेंड लाइन का मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते जाएगा और बाउंस बैक करते जाएगा और यहीं पे BOS बनते जाएगा और यहीं से आप लोगों को ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। अगर आप लोग को स्कैल्पिंग भी करना है तो आप लोग इस पे आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हो। इसका मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि एक्यूरेसी इसका 70-75% है। और यही था एक छोटा सा अपना कंसेप्ट वाला वीडियो, जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का है, BOS, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। और भी मैं धीरे धीरे अपना इस पर और भी कैसे कैसे क्या कुछ करना है, और इस पर मैं आप लोगों को एक सेटअप भी दे दूंगा कि आप लोग उस सेटअप को कौन से टाइम फ्रेम पे आप लोग यूज़ करके आप लोग इस पर पैसा बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।